हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली मेकअप सीक्रेट वीडियो होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरीके की टॉप सीक्रेट्स वीडियोज आते रहते हैं ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, जैसे फेशियल, क्लीनअप, हर चीज़ों में जो जो दिक्कतें आती हैं, ग्लो क्यों नहीं आता है, इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज आते रहती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि मेकअप काला क्यों पड़ जाता है, गर्मियों में आपको कैसे करना चाहिए मेकअप कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड काला नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फेस का सीटीएम करना है। सीटीएम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है प्राइमर का। एंड अगर आप दिन में मेकअप करें तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा, प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइमर निकल गया था। तो ये है हुडा ब्यूटी का प्राइमर। तो मतलब प्राइमर बिल्कुल लगाना ज़रूरी है, मेन रीज़न होता है प्राइमर लगाए बिना भी मेकअप करने से आपका मेकअप जो होता है काला पड़ने लग जाता है। तो प्राइमर हमने लगा दिया, थोड़ी देर का वेट करेंगे, उसके बाद हमको फाउंडेशन लगाना है। एंड फाउंडेशन आप लगाते हो तो एक गलती करते हो, अगर आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं है या फिर आप आपका मेकअप काला पड़ रहा है बार बार, और आपका मेकअप जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मियों में मेकअप निकलने लग जाता है, केक ही पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना होने के बाद निकलने लग जाता है। तो सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, बहुत टॉप सीक्रेट बता रही हूँ, तो ये ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनका भी मेकअप निकलने लग जाता है या फिर मेकअप दिखता है चेहरे पे और बहुत बेकार लगता है, उन सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये है मेकअप फिक्सर टॉप सीक्रेट गर्मियों के लिए। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो इस तरीके से फाउंडेशन लगाओ, आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, केकी नहीं होगा, ब्लैक नहीं पड़ेगा। तो आपको पहले सबसे पहले फाउंडेशन से पहले अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे लगा लेना है, जिससे कि आपने जो अभी प्राइमर लगाया वो अच्छे से सेट हो गया। फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रखनी है, बहुत ज़्यादा, ओके, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगानी है। आपका फेस वैसे ही ऑलरेडी साफ सुथरा है, ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है, पिगमेंट नहीं है, तो आप बहुत कम क्वांटिटी में फाउंडेशन अप्लाई कीजिए। तो मैं इस तरीके से हाथों से ही अप्लाई कर लेती हूँ खुद के फेस पे। दूसरों के बेटों में ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आपको फाउंडेशन को अप्लाई करना है, जिससे कि आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है एंड बहुत कम क्वांटिटी में लिया है आपने, तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और निकलेगा भी जल्दी। अब इतना ही नहीं, इसके बाद आपको दोबारा से मेकअप फिक्सर अप्लाई करना है, ओके, एंड टैप टैप कर देना है। इस तरीके से अगर आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, निकलेगा नहीं, पसीना कितना भी हो बिल्कुल भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। तो देखिए इतना हमने कर लिया और बिल्कुल भी मेकअप एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है कंसीलर का। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कम रखनी है आपको, बस वहाँ वहाँ लगाइए जहाँ आपको लगे की ज़रूरत है, और ये थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट पर लगा लीजिए। इसको भी हम लोग हाथों से ब्लेंड करेंगे, गर्मियाँ बहुत है तो मैट चीज़ें भी बहुत पिघल रही हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा मेकअप जो है वो डन हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से सेट भी हो गया है, कहीं भी निकल नहीं रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पे टिका हुआ है। अब इस तरीके से आप मेकअप करते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो भी नहीं निकलेगा, आपका कंसीलर भी नहीं निकलेगा और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। रात भर रखना है, 24 घंटे रखना है, आप सुबह कर लो शाम तक, पूरा मेकअप आपका ऐसे क्या ऐसे रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप गर्मियों के मौसम में पाउडर बेस ब्लशर से अच्छा रहेगा कि आप लिक्विड ब्लशर यूज करो। अगर ब्लशर नहीं है तो आप लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको ब्लशर अप्लाई करना है। और फिंगर टिप की मदद से इस तरीके से फैला देना, क्योंकि हमने पहले ब्लशर यूज कर लिया है तो हम जब भी इसको सेट करेंगे पाउडर से तो ये अगर ओवर भी हुआ होगा तो कम हो जाएगा, और लिक्विड ब्लश है तो आपकी स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जल्दी निकलेगा नहीं एंड
गर्मियों में आप इसी तरीके से मेकअप कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमने यहाँ पे ब्लशर भी अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है हाइलाइटर का। तो हाइलाइटर हम लोग क्या करते हैं, बाद में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हाइलाइटर भी पहले यूज करना है। अगर आपके पास लिक्विड है तो बेस्ट है, नहीं है तो आपको पाउडर बेस ही यूज कर लेना है। पाउडर बेस यहाँ पे मेरे पास है, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाइलाइटर ब्रश लेंगे। तो हाइलाइटर ब्रश नहीं है तो आप ये वाला ब्रश को इस तरीके से कर सकते हो एंड नोज पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे, लालों पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही कम क्वांटिटी में आप अगर मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और काला नहीं पड़ेगा। एंड जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप कीजिएगा तो आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। अब हम लोग अपने आईब्रो को फिल करेंगे एंड अपना मेकअप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आई मेकअप करने से पहले हम लोग काजल अप्लाई कर लेंगे। तो अभी जो काजल है, लिपस्टिक है, सारी चीज़ें लगा के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेन जो मकसद था मेरा ये बताना था कि आपका मेकअप काला क्यों पड़ता है, लंबे टाइम तक टिका क्यों नहीं रहता है, बाद में केकी क्यों हो जाता है और पसीने आते हैं, तो कई लोगों के ऐसे वाइट वाइट सा मेकअप निकलता रहता है। तो सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाएंगे जो मैंने अभी किया है। अब आपको नेक्स्ट लास्ट स्टेप बस यही करना है कि कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और आपको अपने फेस पे मेकअप को सेट कर देना है। पाउडर लगाते टाइम आपको ब्रश को इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है ताकि अच्छे से ये मेकअप बेस को सेट करे। तो इस तरीके से आप मेकअप कीजिएगा जब भी आप मेकअप कर रहे हो, तो गर्मियों में स्पेशली गर्मियों में अगर आपका मेकअप काला पड़ता है, निकलता है, तो ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आईब्रो पेंसिल कैसे लगाते हैं उसकी डिटेल वीडियो लगाई डाली हुई है, लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, आई मेकअप सारी चीज़ों की वीडियो। तो ये मेकअप पूरा अच्छे से सेट हो गया, लास्ट में आपको दोबारा से मेकअप फिर से अपने फेस पे इस तरीके से लगा लेना है एंड इसको सूखने देना है। और ये आपका मेकअप, यकीन मानिए आप एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरीके से अगर आप मेकअप करते हो, आपका मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल फिनिशिंग देगा, नेचुरल ग्लो रहेगा आपके फेस पे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपने मेकअप किया है और मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। चलिए हम लोग अपना आईब्रो फिल करते हैं एंड मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स ये थी आज का फाइनल लुक है एंड आज का जो मेकअप टिप्स है काफ़ी टॉप सीक्रेट्स है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपका भी मेकअप लंबे टाइम तक नहीं चलता है, काला पड़ जाता है और पसीने आने पर निकलने लग जाता है, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आपके मेकअप से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। चैनल पर नए हो, बोल दिया मैंने ये वाले वर्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलेंगे इसी तरीके की टॉप सीक्रेट्स वीडियोस लेके, तब तक के लिए बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपको भी आईलेसेस लगाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरी प्रीत तिवारी वाले चैनल पे जाके आप आईलेसेस लगाना सीख सकते हो। ये आईलेसेस मैंने खुद से अप्लाई किया, आप क्या मिस्टेक करते हो, क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपके आईलेसेस निकल जाती हैं, लंबे टाइम तक नहीं टिकी रहती, कभी इनर कॉर्नर से कभी आउटर कॉर्नर से निकलने लग जाती हैं और आपका जो फंक्शन होता है, पार्टी होता है, वो आपको आईलेसेस देखने में ही निकल जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, जाके चेक जरूर कर लीजिए प्रीत तिवारी चैनल पर, आपको आईलेसेस से रिलेटेड सारी डाउट सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी वीडियो देखने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।